करना पड़ेगा। क्या करेगी तू? ऐसा कुछ करूंगी जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी। जितना भी मीटिंग है जल्दी जल्दी खत्म करो। और कितना मीटिंग है? 3 सर। क्या तुमने तो कहा था 5 मीटिंग है? हाँ सर, बाद में और 2 मीटिंग रखना पड़ा। तुमने मुझसे बिना पूछे 2 मीटिंग रख ली? सॉरी सर, ये दोनों मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो ये मीटिंग तुम अटेंड कर लो। एक एक जंग चला जाता है। ये मीटिंग तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ रोकने के लिए रखा है। ऑफिस क्यों नहीं गया? मन नहीं कर रहा था इसीलिए। जीनू? हाँ अरे, मैं बच्चों को हनीमून पे भेजने के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है अरे, इतने दिन शादी हो गए वो चारों अभी तक हनीमून पे नहीं गए। जीनू, क्यों ना हम भी दोबारा हनीमून पे जाए? इस बार हम हनीमून पे नहीं, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। बुढ़े हो गए हैं, अभी हनीमून पे जाने के बारे में सोच रहे हैं। जीनू ऐसा मत बोलो, हम इतने भी बुढ़े नहीं हुए, मैं तो अभी भी जवान हूँ। कैंटीन में जाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ए जिमिन का तो पता नहीं? हाँ तूने सही कहा, मुझे भी भूख लगी है। जिमिन इतने टाइम तक सर के साथ क्या कर रही है? छोड़ उसे, तूने टिफिन लाया ना? हाँ नहीं, मैं तो टिफिन लाना ही भूल गई। क्या इसका मतलब तू आज भूखी रहेगी? रहना पड़ेगा। तू भूखी रहेगी तो तेरे पेट में दर्द होगा। क्या करूँ, बाहर का खाना भी नहीं खा सकती। ते आज खा ले, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो तो तेरे लिए अलग से खाना बनने के लिए बोलूंगा। चल ठीक है। हाँ बोलिए। तुमने लंच किया? नहीं अभी तक नहीं किया। कब करोगे? जल्दी से खा लो। हाँ आपने खा? नहीं मैं खाने जा रहा हूँ। ओके अब खा लीजिए। ते मैंने तेरे लिए खाना ऑर्डर दे दिया बिना मिर्च के। ओके तुम खा लो, मैं फोन रखता हूँ। हाँ जंगकुक फोन काट देता है। सर मैं और कब तक ऐसी बैठी रहूंगी? जब तक मैं चाहूंगा तब तक। सर मैं कॉलेज आई हूँ, एक घर नहीं। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने एक भी क्लास नहीं किया आज। हाँ मुझे पता है। आप मुझे बताएंगे आप मुझे यहाँ क्यों बैठा कर रखा है? ये तुम्हारा पनिशमेंट है। पनिशमेंट किस बात की? तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारा हाथ पकड़ा इसीलिए। क्या सर? ए आप कैसी बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो? वो मेरा टीचर है, उसने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं नहीं, इसलिए तो तुम्हारा पनिशमेंट कम है। हाँ बिल्लू जेलस है। अगर तुम खुद उनसे जाके बात करती तो तुम्हारा पनिशमेंट बहुत हार्ड होता। जिमी मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहता हूँ, तुम शोर से दूर रहना। सर वो मेरा टीचर है, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। हाँ मैं जानता हूँ वो तुम्हारी टीचर है, फिर भी तुम उनसे दूर रहना। इसका मतलब मुझे आपसे भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो मेरे टीचर हो। सुगा को बहुत गुस्सा आता है। जिमी मैं तुम्हारा सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। एक कॉलेज है सर, यहाँ पे आप टीचर हो, और मैं आपकी बात क्यों सुनूं? अगर आप आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर सकते हो तो मैं दूसरे लड़कों के साथ बात क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं तो आज तक सब लड़कों के साथ बात करूंगी। जिमी हटिया सामने से, मुझे भूख लगी है। एक एक जिमी चली जाती है। ये लड़की हमेशा गर्लफ्रेंड में आके अटकती रहती है, हर बात पे गर्लफ्रेंड। मैं परेशान हो गया हूँ, गलती मेरी ही है, मैंने उसे क्यों बोला मेरा गर्लफ्रेंड है। मैं पागल हो जाऊंगा, ये लड़की मेरी प्यार को क्यों नहीं समझती है। मैम ये लीजिए आपका स्पेशल खाना, होममेड बिना मिर्च के, जैसे आपके घर में बनती है, आप खाके देखिए। आपको कैसे पता मैं ऐसी खाना खाती हूँ? सुबिन मैंने तो नहीं बताया, सर ने बताया है। सर जंगकुक सर ने, उन्होंने हमें फोन किया था और उन्होंने हमें रेसिपी बताया। जंगकुक ने बताया है? मैम आप बहुत लकी हो, आपको सर के जैसे इंसान मिला। सर बहुत अच्छा है, उनके वजह से एक कॉलेज चलता है, वो सबकी मदद करता है। सर हमारे पास भगवान जैसा है। खाना पसंद आया? सर आप अभी लंच करेंगे या मीटिंग के बाद? मीटिंग के बाद। ओके लव मैं रखता हूँ, तुम खा लो, जंगकुक फोन काट देता है। चलो इस सर लाभ किसको बोला?
सुनो, एक खाना पैक कर दो। ओके मैम। खाने के बाद
नो नो नो, ये आपका फर्स्ट किस नहीं होगा। आप तो आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत बार किस कर चुके होंगे, आप इतना भी शरीफ नहीं हो जो आप अपने गर्लफ्रेंड को किस नहीं किए। जिमी चलो कहाँ घर जाना है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। व्हाट, क्यों नहीं जाओगे? मुझे आपके साथ जाने का मन नहीं है, मैं आज मम्मा के घर जाऊंगी। क्या? हाँ, पर क्यों? मैं मन कर रहा है इसलिए। तुम जरूर अपने पड़ोसन वाले आंटी के बेटे से मिलने जा रहे हो। हाँ जा रही हूँ, तो आपको क्या, आप भी तो अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हो, मैं कुछ बोलती हूँ आपको नहीं ना। जिमी अपने बकवास बंद करो और घर चलो। क्यों जाऊंगी घर, मैं नहीं जाऊंगी घर। आप ना मुझे अपनी पत्नी मानते हो ना मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ। आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहिए, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। बस करो जिमी। तुम सच में बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं समझते हो, हर वक्त गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों करते हो? मुझे तो ए वर्ड से चीर होने लगा है। देखो जिमी, एक कॉलेज है, मैं यहाँ पे और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम घर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा बीबी कौन है और गर्लफ्रेंड कौन है। एक कह के सुगा जिमी के हाथ पकड़ के ले जाते हैं। सुगा ये दूर से देख रहा था, ये यूंगी जिमी को ऐसे क्यों लेकर जा रहे हैं? ते, तुम्हें क्या बोल रही हो? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? लव, मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया, झूठ मत बोलिए, मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज जाकर उसे किस कर लेना, अगर नहीं दिया तो? क्यों नहीं देगी, वो आपसे प्यार करती है, आप अगर उससे प्यार से मांगेंगे तो वो जरूर देगी। अगर मैं किसी और लड़की के पास गया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चुप हो जाती है। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ते कुछ नहीं कहती है, वहाँ से चली जाती है। जंकुक, तू तो बुरी तरह से फंस गया, और बोल झूठ, बड़े सही कहते हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।